नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज के साथ। देवरी में कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को लेकर विधायक हर्ष यादव की अगुवाई में किसान जनाक्रोश रैली का आयोजन किया गया। रैली मुख्य नगर पालिका चौराहा से नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए तहसील परिसर पहुंचकर प्रदेश सरकार के विरोध में नारेबाजी की, जिसमें नगर सहित आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए। तहसील परिसर में क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव ने तंज कसते हुए प्रदेश एवं केंद्र सरकार की गलत नीतियों पर जमकर बरसे और कहा कि आज प्रदेश का किसान परेशान है और आत्महत्या करने को मजबूर है और कंस मामा 65 करोड़ के हेलीकॉप्टर से हवाई यात्रा कर रहे हैं। भाजपा के तमाम नेता और इनके दलाल भ्रष्टाचार करते करते शिष्टाचार में बदल गए। इनकी रीति और नीति से अब प्रदेश की जनता वाकिफ हो चुकी है। अब इन्हें सबक सिखाने को जनता तैयार बैठी है। क्षेत्रीय किसान थाली चम्मच लेकर बजाते हुए एवं अपने हाथों में खराब हुई खरीफ की फसल के पौधे लिए विरोध प्रदर्शन किया एवं तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि मौजूदा खरीफ सीजन में अल्पवृष्टि, रोग प्रकोप एवं अतिवृष्टि से नष्ट हुई सोयाबीन, धान, उड़द, अरहर, मक्का सहित अन्य फसलों के प्रभावित कृषकों को राहत राशि तत्काल जारी की जाए एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल विसंगतियों को दूर करने, प्रदेश के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के उक्त समस्त बिल तत्काल माफ किए जाए एवं इंदिरा गृह ज्योति योजना को जीवित कर 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली व्यवस्था लागू की जाए आदि मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। रूप से जिस तरह का भेदभाव मध्य सरकार के द्वारा किसान भाइयों के साथ किया जा रहा है, एक तरफ प्राकृतिक आपदा अफलन की स्थिति, पीला मौजूद और वर्षा की स्थिति की वजह से फसलें चारों तरफ नष्ट हो चुकी है। 100% पूरे विधानसभा क्षेत्र में फसलें, चाहे उड़द हो, चाहे मूंग हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे धान हो, चाहे अरहर हो, चाहे मक्का हो, सब नष्ट हो चुकी हैं। आज सर्वे के बारे में कहा जाता है, हमारे यहाँ पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लोग आए हुए हैं, आप स्वयं भी पूछ सकते हैं, कहीं कोई सर्वे नहीं हो रहा है। यदि सर्वे नहीं होगा तो मुआवजा कैसे मिलेगा? जब 100% नुकसान है तो हमारी मांग है प्रशासन से, शासन से, जब कोई सर्वे की क्या हो सकता है, 100% फसल नष्ट है, 100% मुआवजा दिया जाए। अभी 2019 में मेरी सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार थी, बीमा की राशि, प्रीमियम राशि हम लोगों ने जमा की थी। अभी जो बंदरबांट हुआ है, जिस तरह से बहुत सारे मेरी विधानसभा क्षेत्र के आधे से ज्यादा गांव वंचित कर दिए गए बीमा की राशि से, बहुत सारे गाँव के लोगों को बीमा की राशि मिली नहीं है। एक गांव में मुश्किल से 10 या 15 लोगों को बीमा की राशि दी गई है, वो भी ईंट के मुंह में जीरा। इस सब की समस्याओं को लेकर किसान भाइयों के की लड़ाई लड़ने के लिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। प्रशासन को चेताया है, आगाह किया है कि 28 विधानसभा तक पूरा मध्यप्रदेश सीमित न करें। पूरी मध्यप्रदेश मुखिया का, मध्यप्रदेश के मुखिया का है शिवराज सिंह जी, वहां 28 विधानसभा जहाँ चुनाव है वहाँ घोषणाएं कर रहे हैं, वहाँ भरपूर सहयोग कर रहे हैं। अन्य विधानसभा क्षेत्रों के साथ शौचालय व्यवहार हो रहा है, ये हम लोग मांग पत्र में रखा है। यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे आप क्या कदम होगा? ये तो जनता सामने खड़ी है, जो जनता का आदेश होगा सर आंखों पे होगा। जैसा आदेश हमारे किसान भाई, गरीब आदमी खड़ा आदेश करेंगे, सड़कों पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। मैंने तो कहा, असामान्य रूप से कहा कि इस जनता जनार्दन के लिए अंतिम बूंद तक मैं निस्वार करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं गरीब की आंखों में आंसू देख के मन द्रवित होता है, दुखी होता हूँ। आज कहीं ना कहीं किसान परेशान है, बेहद कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। मध्य सरकार ने कर्ज माफी भी नहीं करी, बोनस की राशि नहीं दी, बीमा की राशि नहीं दी। जिस तरह से 6 महीने के कार्यकाल में सरकार का रवैया गरीब विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी उजागर हुआ है, ये जनता जाग चुकी है, समझ चुकी है और कहीं ना कहीं सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। नहीं नहीं, मतलब जनता का आक्रोश आगामी विधानसभा चुनाव में क्या असर डाल सकता है? निश्चित रूप से जनता आज जाग चुकी है। जिस तरह से पूरे देश में और प्रदेश में जो कृषि बिल पास हुआ है उसका विरोध हो रहा है, किसान जाग चुका है और कहीं ना कहीं इस अन्याय, अत्याचार के खिलाफ धर्म की लड़ाई में पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है, कमलनाथ जी के साथ खड़ा है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी एहसास हो गया।
बात तो सोरा।